हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्या है कि वन एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन एक्स स्क्वायर एक्स और वन इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1 - x³ का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 - x³ चाहिए मुझे, तो एक चीज आप समझ सकते हो यहाँ पे कि अगर मुझे R1 पे ऐसा 1 - x³ चाहिए तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स से, तो ये एक्स क्यूब बनेगा और फिर इसमें से माइनस करूंगा। तो मुझे मैंने लिखा है कि रो वन मुझे कैसी चाहिए, रो वन माइनस एक्स टाइम्स रो टू। तो ये पहले पूरी R2 को एक्स से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है हमें। तो ये मेरा कुछ ऐसा इस तरह से बन रहा है कि 1 - x³ x² x 0 1 x² और 0 x 1। क्यों? क्योंकि इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब बना, वो मैंने माइनस किया। फिर यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स एक्स माइनस एक्स 0, एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0। तो इस तरह से कुछ बनाया। बाकी इन दोनों रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया, वो एज इट इज है। अब हम क्या करते हैं कि रो वन में से 1 - x³ कॉमन निकाल लेते, तो ये 1 0 0 हो गया, ये एक्स स्क्वायर, बाकी का एज इट इज है सब। तो आगे बढ़ते हैं, ये इसको अब एक्सपांड कर सकते हैं हम, क्योंकि ये 0 0 आ गया हमारा। तो 1 - x³ एज इट इज है, ये 1 से एक्सपांड करें तो ये 1, 1 1 जा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, x² * x दैट इज x³ प्लस, ये दोनों तो 0 है तो उसके साथ कोई भी आप डिटरमिनेंट उसका लोगे तो वो 0 ही मिलेगा। तो बेसिकली क्या हो गई, 1 - x² एज इट इज है, ये 1 - x³ ही होगा, तो उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो गया, दैट इज अवर राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था। इधर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1 + a² - b² 2ab - 2b 2ab 1 - a² + b² 2a 2b - 2a 1 - a² 1 - b² इज इक्वल टू मुझे क्या लेके आना है, 1 + a² + b² होल स्क्वायर ये लेके आना है। तो देखो R1 को मैंने क्या किया है कि R1 + b × R3, और R2 को क्या किया है कि R2 - a × R3। अब ये क्यों किया, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो पहले देखो हमें जो प्रूव करना है वो चीज़ क्या है कि 1 + a² + b² ऐसा कुछ लेके आना है, जबकि यहाँ पे है 1 + a² - b² है। तो अब ये -b² हटा के वहां पे +b² करना है, तो हमें इसमें ऐड क्या करना पड़ेगा, +2 × b². तो यही करने के लिए मैंने ये देखो पहला ऑपरेशन किया कि R1 + b × R3। R3 2b है, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करोगे तो 2b² हो जाएगा, वो ऐड करोगे तो ये जो हमें चाहिए ऐसा कुछ मिल जाएगा। और सेम वैसा ही कहाँ पे किया है, रो टू में। तो रो टू में यहाँ पे देखो 1 - a² + b² है, मतलब यहाँ पे माइनस में है a², तो उसको भी प्लस करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, +2a², तो वो कैसे मिलेगा मुझे, यहाँ पे -2 × a है तो a से मल्टीप्लाई करो तो -2a हो जाएगा, वो ऐड करना है, मतलब आपको वहां पे उसको क्या करना है कि प्लस साइन दिखानी, तो वो मैंने माइनस करनी पड़ेगी। ओके, तो ये ऑपरेशन पहला है, तो उसमें चेंज रो वन में है। तो रो वन में देखो ये क्या हो जाता है, इसको पहले पूरी रो को b से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करनी, तो b से मल्टीप्लाई किया 2b² ऐड किया तो ये हो गया 1 + a² + b², इसको b से मल्टीप्लाई किया तो -2ab हो गया, ऐड किया 0, b से मल्टीप्लाई किया पूरा। तो ये b से मल्टीप्लाई करने से हमें ये क्या मिलेगा वो देख लो, कि ये b से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा b - a² b - b³। अब ये चीज जो है वो हम किस में ऐड कर रहे हैं, इसमें, मतलब ये जाके यहाँ पे ऐड होगी, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -2b। अब देखो क्या होगा, इसमें से सब में से हम b कॉमन निकाल सकते हैं, तो सब में से, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, ये b - 2b (-1) और बाकी दोनों में से तो b कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। तो ये देखो ये टर्म यहाँ पे मैं वापिस से लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगी कि a² b - b³, और ये -1 जो है वो -1। अब ये सब में से -b में कॉमन निकालू तो ये 1 a² b में से b चला जाएगा, तो a² b³ में से b चला जाएगा, तो b² बराबर। सिमिलरली R2 को हम क्या करेंगे, R2 - a × R3, ये पूरी रो को a से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से माइनस करने से, a से मल्टीप्लाई किया तो 2ab माइनस किया 0, a से मल्टीप्लाई किया 2a² बट माइनस, वो माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + a² + b² हो जाएगा। सेम इसको इधर से a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो उसमें से अगर a में कॉमन निकालोगे तो 1 + a² + b² आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऊपर वाला स्टेप बताया था।
अब देखो, वन प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार में कहाँ से कॉमन निकलता हूँ, ये निकलेगा रो वन में से, तो रो वन में से एक बार निकला वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार निकला रो टू में से, तो वो हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा मैंने वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो वन जीरो माइनस बी जीरो, वन ए टू बी माइनस टू ए, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर, क्योंकि रो थ्री में कोई चेंज नहीं है, जो चेंज था वो रो वन रो टू में ही है, तो वो कॉमन निकाल के मैंने दिखा दिया। तो देखो अब हम उसको एक्सपांड करने वाले हैं, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर करके वन, ये वन और पूरे को आप एक्सपांड करोगे तो इस टाइप का कुछ मिलेगा आपको, ये पोज करके आप नीचे से लिख सकते हो, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है, इसको मैं एक्सपांड करूँ तो वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, ये बी अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू बी स्क्वायर, देख लो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, वो बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये वन रहेगा एज इट इज, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर इन टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी सी ए सी बी एंड सी स्क्वायर प्लस वन, तो इसके इस इक्वल टू हमें प्रूव करना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो इसमें कोई आइडिया नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़े, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पुरानी ट्रिक है वो कि कैसे भी करके इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लेके आते हैं, तो उसके लिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि देखो जो कॉमन निकल रहा है वो हम निकालते हैं, तो पहली रो में से ए कॉमन निकला, दूसरी रो में से बी कॉमन निकला, तीसरी रो में से सी कॉमन निकला, तो ये बाहर मैंने ए बी सी लगा दिया। अब इसमें से ए कॉमन निकला तो देखो ये ए प्लस वन बाय ए हो गया, इसमें से ए कॉमन निकाला तो बी, इसमें से ए कॉमन निकाला तो सी, यहाँ से बी निकला तो ए बी बी प्लस वन बाय बी, यहाँ से बी निकाला सी, सी इधर से कॉमन निकला तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी प्लस वन बाय सी। अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं कि रो टू को हमें चाहिए रो टू माइनस रो वन, एंड रो थ्री को चाहिए रो थ्री माइनस रो वन। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो ये रो टू माइनस रो वन, मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ए ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस वन बाय, क्योंकि ये देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं कि ए माइनस वन बाय ए होगा, इन दोनों को कैंसिल, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो इनकी साइन भी चेंज हो जाएगी, तो माइनस वन बाय ए बचेगा। अब यहाँ पे बी प्लस वन बाय बी है, उसमें से बी निकालोगे तो वन बाय बी बचेगा, सी माइनस सी जीरो हो जाएगा, ए माइनस यहाँ पे सेम बचेगा वन बाय बी, बी माइनस बी जीरो हो जाएगा, सी प्लस वन बाय सी माइनस सी करोगे तो वन बाय सी बचेगा, ये वन बाय सी है। ओके देख लो अब आगे क्या करने वाले हैं हम कि सी वन को, मतलब पहली जो कॉलम है उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी कॉलम को बी से, तीसरी कॉलम को सी से मल्टीप्लाई करें। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, बराबर। तो देखो पहली कॉलम को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, ए से, तो वो मैंने डिवाइड भी कर दिया यहाँ पे। दूसरी कॉलम को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, बी से, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बी से करके फिर लिखा है आंसर, ये सी से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा, तो ए बी सी डिवाइड भी कर दिया, ये ए बी सी आगे कॉमन निकाला था वो था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ए से मल्टीप्लाई किया, इसको पूरे को ए प्लस वन बाय ए है, ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस ए वन बचेगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको पूरी कॉलम को बी से मल्टीप्लाई करना है। ये सी है, उसको सी से मल्टीप्लाई करो तो सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन बाय ए था तो माइनस वन, माइनस वन बाय ए था तो ए, क्योंकि यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई किया, ये वन बाय बी को बी से वन, ये जीरो, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया है तो ये आपको पता चल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉलम वन में मुझे सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री चाहिए, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस वन तो हो गया, अब बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ऐड करना रहा, क्योंकि आंसर हमें ऐसा कुछ चाहिए वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर चाहिए, तो इन दोनों को ऐड कर देते इधर, तो साथ साथ जीरो भी मिल जाएंगे हमें। देखो इसको ऐड किया है यहाँ पे, तो ये तो पता चल गया आपको कैसे आया, फिर ये वन प्लस ये माइनस वन जीरो हो गया, माइनस वन प्लस जीरो प्लस वन ये जीरो हो गया, अब ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसको लेकर के अगर एक्सपांड करोगे तो ये वन मल्टीप्लाई वन माइनस ये जीरो, अब बी को बी स्क्वायर को देखो एक्सपांड कर भी लो तो ये जीरो है दोनों, सी स्क्वायर को भी कर लो तो ये भी दोनों भी जीरो है, तो जीरो ही बचेगा, मतलब आपका आंसर जो है राइट हैंड साइड वो मिल जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू। अब डेफिनेटली पता है हमें कि यहाँ पे ये आएगा, क्योंकि कल हमने शायद बात की थी एक आगे के वीडियो में कि
कि अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो अंदर जो भी नंबर है वो आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब के मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई के ऐसे करके ये डिटरमिनेंट में आएगा, तो मतलब कि के क्यूब हो जाएगा। अब ये कैसा है वो भी हम बता देते हैं कि समझो ये कोई मैट्रिक्स है ए बी सी करके 3x3 का, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसका डिटरमिनेंट मान लो कि ये आ रहा है। ओके, ये तो पता है बेसिकली। अब आप क्या कर रहे हो कि के ए का डिटरमिनेंट चाहिए आपको, तो मैंने के मल्टीप्लाई कर दिया ये मैट्रिक्स के साथ, तो अंदर सारे एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसका मैं डिटरमिनेंट निकालू भी, तो यहां से पहले इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि देखो, फर्स्ट रो से के कॉमन निकाला, सेकेंड रो से के कॉमन निकाला, और थर्ड रो से भी के कॉमन निकाला, तो ये क्या हो गया, बाहर के क्यूब और अंदर बचा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई करके, मतलब बाहर क्या बना, के क्यूब, तो वो यहाँ पे आ गया कि के क्यूब इंटू ये मैट्रिक अपना ये डिटरमिनेंट, तो के क्यूब टाइम्स ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ए ऑप्शन दिया, डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ होता है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, हाँ ये भी सही है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड लास्ट में लिखा नन ऑफ दिस। तो आप जानते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और एक नंबर भी है जो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, तो दोनों आंसर सही है और वो आंसर इसमें हमको सी ऑप्शन में दिया है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।